फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच गाइस फॉर योर लव एंड सपोर्ट। हमारे चैनल ने 4000 सब्सक्राइबर पूरा कर लिए हैं और इसका क्रेडिट सिर्फ और सिर्फ आपको जाता है, इसके लिए आप सभी का शुक्रिया। सो इस वीडियो के टाइटल से आपको मालूम चल ही गया होगा कि आज हम क्या बात करने वाले हैं। यस, टुडे वी विल टॉकिंग अबाउट माय ओपिनियन ऑन बजाज पल्सर NS160। हे गाइस, दिस इज नसरुद्दीन एंड यू आर वाचिंग फेक सिस्टम YouTube चैनल। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फ्रेंड्स, आप सबके बहुत से कमेंट्स आ रहे थे कि NS160 कैसी बाइक है, क्या हमें ये बाइक लेनी चाहिए या नहीं। तो इस वीडियो में आज हम इसके कुछ गुड पॉइंट्स और कुछ बैड पॉइंट्स के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले चलते हैं इसके निगेटिव पॉइंट्स की ओर, जो कि है फर्स्ट में इसका रियर ब्रेकिंग सिस्टम। आप सभी को मालूम होगा इसके रियर ब्रेक में आपको 130mm का ड्रम ब्रेक मिलता है, जो कि अच्छी बात नहीं है। 160cc की बाइक है और इसको जब आप 70 और इससे ज़्यादा स्पीड में राइड करते हैं तो ब्रेकिंग के लिए आपको फ्रंट डिस्क ब्रेक से ही काम चलाना पड़ता है। रियर डिस्क ब्रेक में उतना कॉन्फिडेंस आपको नहीं मिलेगा। इसके रियर में 110mm का MRF का टायर दिया गया है, जो कि काफ़ी पतला दिखता है। हालांकि रोड ग्रिप के मामले में किसी भी तरह का शिकायत नहीं है इससे, रोड ग्रिप काफ़ी अच्छा है, बट लुक वाइज और जब हम इससे कॉर्नरिंग करते हैं तो इसमें काफ़ी कम कॉन्फिडेंस देखने को मिलता है। आई होप कि NS160 का भी जो नेक्स्ट वेरिएंट आएगा उसमें शायद इस सब चीज़ों को इम्प्रूव कर सकें। अब बात करते हैं इसकी पिलियन सीट की। इसका राइडिंग सीट तो काफ़ी अच्छा है, काफ़ी कुशनिंग अच्छी दी गई है इसके अंदर, बट रियर सीट पता नहीं क्यों बहुत ही हार्ड है। सिर्फ इसी बाइक में नहीं, आपको NS160 के अलावा NS200 में, RS200 में, KTM ड्यूक में, RC में, इन सब बाइक में भी आपको काफ़ी हार्ड सीट देखने को मिलता है पिलियन में। पता नहीं इसका क्या रीज़न है, बट अगर आप इससे 100 और उससे ज़्यादा किलोमीटर की राइड करेंगे तो शायद पिलियन वाले राइडर जो होंगे उसको ये पेनफुल हो सकता है। अब इसकी माइलेज की बात कर रहे हैं, इसका माइलेज किसी के लिए निगेटिव पॉइंट्स है, किसी के लिए पॉजिटिव पॉइंट्स है, क्योंकि इसका माइलेज किसी को 50+ का भी मिलता है और किसी किसी को 30 तक भी नहीं मिल पाती है। तो मैंने बहुत सारे रिव्यू देखे हैं और कमेंट्स आए हैं मेरे पास कि उसके माइलेज जो है वो 30 से भी कम है। तो इसमें अगर आप नॉर्मल राइड करते हैं या फिर इसको हाईवे पे चलाते हैं और 60-70 के बीच में अपनी स्पीड को मेंटेन रखते हैं तो इसकी जो माइलेज है वो आपको 45-50 तक का मिल जाता है। लेकिन जब आप इसको 100 और उससे ऊपर या फिर 90 के आसपास राइड करेंगे तो आपको इसकी माइलेज जो है बहुत ही कम देखने को मिलती है, जो कि इसका बहुत ही निगेटिव पॉइंट्स है। इसको जो है वो इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। तो ये थे कुछ निगेटिव पॉइंट्स जो कि हमें NS160 में देखने को मिलता है। अब बात करते हैं इसके कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके अमेजिंग डिज़ाइन की। नो डाउट कि NS160 का जो डिज़ाइन है वो इस सेगमेंट में सबसे बेस्ट है। बेसिकली हमें इसका हेड लैम्प काफ़ी पसंद है, डिज़ाइन के मामले में ये नंबर वन तो है। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि ये कम्फर्टेबल कितना है। इस बाइक की जो राइडिंग पोस्चर है वो इस तरह से बनाया गया है, इस तरह से डिज़ाइन करा गया है कि इसे आप लॉन्ग राइड में भी अगर ले जाते हैं या फिर शॉर्ट राइड करते हैं, फिर मार्केट में इसको राइड करते हैं तो आपको किसी भी तरह का प्रॉब्लम फेस करने को नहीं मिलेगा। ये काफ़ी हैंडलिंग में भी काफ़ी अच्छा है मार्केट के लिए, और इसे अगर लॉन्ग राइड में ले जाते हैं तो काफ़ी दूर तक भी अगर इसे आप रन करते हैं कंटिन्यूसली तो आपको किसी भी तरह का बॉडी में पेन महसूस नहीं होगा। तो ये इसकी सबसे खास बात है कि ये लॉन्ग राइड में भी काफ़ी अच्छा कम्फर्टेबल देती है हमें। थर्ड बात करते हैं इसके इंजन की। इसमें जो 15.2 BHP का इंजन लगा हुआ है जो कि काफ़ी ज़्यादा है 160cc बाइक के लिए। अगर हम बात करें किसी इस सेगमेंट में अदर बाइक से तो वो सबसे ज़्यादा है 160NS में। तो इसकी जो 0-60 स्पीड है, 0-100 है या फिर टॉप स्पीड है, तो आई होप कि इसकी स्पीड जो है बाकी सब बाइक से ज़्यादा है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं इसके ऑयल कूल इंजन की तरफ। 160cc में ये एक सिंगल बाइक है जिसमें आपको ऑयल कूल इंजन मिलता है। जब आप इसे लॉन्ग राइड में कंटिन्यूसली राइड करते हैं बिना स्टॉप के तो आपको जो इंजन की हीटिंग है वो बाकी सब बाइक में बहुत ज़्यादा मिलती है, और इस बाइक में जो है एक ऑयल कूल सिस्टम लगा हुआ है इंजन में, तो इस कारण से आपको उतना फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है कि इस बाइक में इंजन हीटिंग हो रही है या नहीं। वो ऑटोमेटिकली जो है वो सिर्फ ऑयल कूल सिस्टम के थ्रू आपके इंजन को हीटिंग को कम कर देती है, तो ये एक अच्छी बात है।
तो फाइनली बात करते हैं इसकी बिल्ड क्वालिटी की। इसकी बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। मैंने इसे लिए हुए 6 महीने से ज़्यादा हो गए और इसे मैंने 10,000 से भी ज़्यादा किलोमीटर राइड कर लिया है, तो लकली मुझे किसी भी तरह का कोई इशू फेस करने को नहीं मिला। मैं ये नहीं कह रहा कि सब बाइक परफेक्ट होंगी, बट कुछ बाइक में इशू आ भी रहे होंगे, कुछ बाइक में तो मेजर इशू भी आ रहे होंगे, बट आई एम वेरी हैप्पी विद दिस मशीन। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने इस बाइक को बाइक से काफ़ी लॉन्ग राइड किए हैं। जैसे मैंने हम लास्ट मंथ पोखरा और काठमांडू के जो राइड करा था, उसमें मैंने कंटिन्यूसली 14 आवर राइड किया इस बाइक को, वो भी पहाड़ी इलाके में, तो मुझे किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम फेस करने को नहीं मिला। इसके अलावा मैंने इस बाइक से समस्तीपुर टू राजगीर, बोधगया, अरवल ऐसे कई सारे राइड किए हैं, जो कि कंटिन्यूसली 500-400 किलोमीटर राइड किया गया है, जिसमें कभी भी किसी तरह का कोई प्रॉब्लम फेस करने को हमें नहीं मिला। अगर आपकी हाइट 5.5 या उससे ज़्यादा है और आपका वेट 55 kg से ज़्यादा है, तो आपके लिए परफेक्ट बाइक है। आप इसके अलावा इस सेगमेंट में फॉर्नेट, जिक्सर, FZ और अपाचे 160 को भी एक बार देख सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि ये मेरे ओपिनियन थे। आज तक मैंने जो भी एक्सपीरियंस किया है, इसी आधार पर मैंने ये सारी बातें आपसे शेयर करी हैं। अगर आपको लगता है कि मैंने कुछ मिस किया है, तो आप हमें कॉमेंट कर बताएँ, हम इस पर डिस्कस करेंगे। और मेरी ये ग्राफिक्स काफ़ी पुरानी हो गई थी, तो rapandride.com ने मुझे एक और नया ग्राफिक्स किट सेंड किया है, जिसे हम जल्द ही इंस्टॉल करने वाले हैं। थैंक यू rapandride.com। अगर आपको किसी भी बाइक की फुल बॉडी रैप चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दी गई है, आप जाकर इसे चेक करें। यहाँ आपको NS, RS, AS, अपाचे 200, 4V, R15, निंजा, अप्रिलिया, CVR और KTM के सारे मॉडल्स के ग्राफिक्स इजिली मिल जाएंगे। आपको डिस्प्ले पे एक नंबर फ्लैश हो रहा होगा, जो कि इसका व्हाट्सएप नंबर है, आप इससे बात भी कर सकते हैं ताकि आपको ये ग्राफिक्स प्रोवाइड करा सके। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर आपका कोई भी सवाल या सुझाव हो, तो आप नीचे कमेंट करें। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो इसे लाइक करें, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जल्द ही मिलते हैं एक और न्यू और एक्साइटिंग वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए आपका शुक्रिया।